हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तमीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बाशटेक। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरत से होंगे। आई होप आपके कबूतर सब ठीक से होंगे। देखो फ्रेंड्स, ये सब फीमेली है। ये देखना कितना सारा अंडा रख दिया है, पता ही नहीं चलता कि इसका शेप देखो, इस अंडा का शेप देखो किस तरह है। ये देखना किस तरह का अंडा रखा हुआ है इसने, और ये सब फीमेल सी ही, तो इसने किस तरह अंडा रखा, तो आज आपको बताऊंगा कि ये सब किसने रखा और किस तरह रखे हैं। दोस्तों, जब भी आप फीमेल इस तरह रखते हैं, 13 या 15 फीमेल्स या और उससे भी ज़्यादा रखते हैं, तो आपके फीमेल्स जो भी होती हैं, फीमेल्स पैर कर लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये जो फीमेल है, ये देखना ये भी फीमेल है और वो भी फीमेल है, वो भी अभी रख दिया है अंडा। और चलो फ्रेंड्स, पहले ये ट्रे हटाते हैं। फीमेल पैर कर लेते हैं तो इस तरह के अंडे निकलते हैं, और ये करू भी नहीं जमता। हाँ फ्रेंड्स, कोई अंडे में रखते हैं कोई, ये देखना। और ये देखो फ्रेंड्स, ये पे एक पैर है, इस पे अंडा सेका दे रहा है, तो इस ये अंडे नहीं रख सकते उस पे। रखेंगे तो भी नहीं जमेगा, उस पे कोई बच्चिक से कुछ भी नहीं निकलेगा, इसी तरह खाली रहेगा ये अंडा। जब भी आप फीमेल्स पैर होते हैं तो कुछ भी नहीं निकलता फ्रेंड्स, सिर्फ अंडा वेस्ट होता है, तो उसको फेंक देना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस अंडे को इसमें रखते हैं तो देखते हैं क्या चिक्स निकलता है या नहीं। तो अभी मैं आज वीडियो में बता दूंगा फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं निकलता है। आप ये अंडे वेस्ट ही रहता है, तो उसको कचरा में ही डालना पड़ेगा, डस्टबिन में ही डालना पड़ेगा। तो एक एक करके इसको निकालते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, इसको एक एक करके अंडा सब बाहर निकालते हैं, तो आज कितना है गिन के भी बता दूंगा। चलो दोस्तों, ये देखना 14 एग्स ही, तो उसका एक एक अंडा का शेप भी दिखाता हूँ आपको किस तरह है। चलो दोस्तों, इसको दिखाते हैं किस तरह है। देखना एक एक अंडा का शेप किस तरह निकला हुआ है। ये देखना कितना लंबा हुआ है और ये कितना छोटा है। ये देखना फ्रेंड्स, ये मुर्गी जैसा अंडा निकला है, इतना बड़ा अंडा। और ये देखो फ्रेंड्स, ये किस तरह निकला हुआ है, ये कोई शेप ही नहीं है अंडा का, इसी तरह निकाला हुआ है। तो जब भी मादिन पैर करते हैं तो इसी तरह के अंडे निकलते हैं। मैं काफ़ी दिनों से फीमेल्स अलग ही रखा था, तो देखा 2 दिन के बाद तो इस तरह निकले हुए हैं। और ये देखो फ्रेंड्स, कितना सारा अंडा है, और शेप भी देखना किस तरह ही। ये सब सारे वेस्ट ही अंडे, आप इस डस्टबिन को, मैं इस अंडे को डस्टबिन में ही डालूंगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं जमता है, और 15 डेज या 20 डेज भी रखेंगे तो कुछ भी नहीं जमता है, और ये अंडा ख़राब भी नहीं होता है, तो इसको ये अंडे बेकार ही, तो इसको हमें डस्टबिन में ही डालना पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको और एक भी दिखाऊंगा, इसको कुछ जमे इसके अंडे के अंदर कुछ ज़रदा जो बोलती हैं वाइट येलोइश, वो है या नहीं है तो आपको दिखा दूंगा वो भी। तो चलो, और ये देखो फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं दिखेगा, येलोइश नहीं रहेगा, सिर्फ वाइटिश ही रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ फीमेल्स का अंडा है। जो भी फीमेल पैर करते हैं तो इस तरह के अंडे निकलते हैं, और कुछ भी नहीं दिखाई देगा इस पे। तो चलो, ये वीडियो इतना ही है। आपको कोई डाउट रहेगा तो ज़रूर कमेंट्स में बताना कि ये किस तरह निकले हुए हैं। आप तो मैं अभी तो डिटेल से आपको बता दिया हूँ, आपको कोई और डाउट रहेगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताना।
इंशाल्लाह मैं रीप्ले भी करूँगा। और ये वीडियो आपको पसंद आई तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लस लाइक कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना। इस तरह की वीडियो मैं बहुत लाऊंगा और आप सबको बहुत हेल्पफुल रहेगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।